हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग कैट 2019 स्लॉट 2 का LRDI का सेट एट सॉल्व करेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 29 से 32। और इसी सेट के साथ हमारी कैट 2017, 18 और 19 का पूरा LRDI कंप्लीट हो जाएगा। और कैट 2017, 18 और कैट 1990 से लेके 2008 तक के आपको क्वांट के वैसे भी पूरे सॉल्यूशंस हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 207 वीडियोस हैं हमारे, ठीक है, जिसमें कैट, जेट, IFT, CMAT और IPMAT के आपको प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे क्वांट के, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो अगर आपके पास वो लिंक्स की PDF नहीं है, पूरे 207 वीडियोज़ जो हैं अप्रॉक्सीमेटली, इनकी एक पूरी PDF है, ठीक है, तो आप हमें, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं है तो स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, क्रिएटर्स 2206 @gmail.com, इस पर आप हमें एक मेल कर दीजिएगा। उस मेल में आपका नेम, एज, सिटी, देन स्कूल एंड कॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन भेजिएगा, तो आपको हम एक PDF प्रोवाइड कर देंगे जिसमें पूरे के पूरे 205, 6, 7 जो भी वीडियोस हैं उसकी पूरी आपको एक PDF मिल जाएगी। तो आपको अलग हमारे वीडियोस में ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसमें सब लिखा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, देन उसकी ड्यूरेशन, देन उसकी लिंक। तो आपको सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है, वो वीडियो ओपन हो जाएगा, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और हमने टफ से टफ क्वेश्चंस को बहुत ईजी तरीके से समझाया हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते ही हो। और हाँ, अगर अभी तक आपने कैट 300 परचेस नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक है और इस वीडियो के एंड में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अभी भी आप परचेस कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, आपके परसेंटेज डेफिनेटली इंक्रीज होंगे अगर आपने उसको अच्छे से समझा तो, ठीक है। ये क्वेश्चन का भी मैं बहुत डिटेल में आपको ईजी से ईजी सॉल्यूशन बताऊंगा। ये क्वेश्चन देखने के बाद भले ही आपको टफ लग रहा हो, लेकिन इसका सॉल्यूशन देखने के बाद आप बोलोगे इससे ईजी तरीके से तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। In the table below, check marks indicate all the languages spoken by 5 people, P, Q, R, S, T, है ना, अपन initials देख लेते हैं। For example, P speaks only Chinese and English. अच्छा, language में भी A, B, C, D, E, F पे ध्यान देना है ना, alphabetically order में, ठीक। तो हम एक chart बना लेते हैं। अच्छा, पहले पूरा पढ़ लो। These 5 people form 3 teams, team 1, team 2 and team 3, है ना। Each team has either 2 or 3 members, सब में 2 या 3 members हैं। A team is set to speak a particular language if at least one of its members speak that language. अगर एक भी member वो language बोलेगा तो हम बोलेंगे कि team ये language particular बोलती है language, ठीक है। तो हम एक chart बनाते हैं। लोग कौन कौन है, P, then Q, R, S, T, ठीक है। Team कौन कौन सी बना रहे हैं, ये team 1, team 2, team 3, और ये language कौन कौन सी बोल रहे हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, P, Q, R, S, T, ठीक है। इसको थोड़ा सा, जिन्होंने मेरे LRDI के पूरे लेक्चर्स अटेंड किए हो जानते होंगे मैं इसे लंबी लंबी लाइनें ड्रॉ कर देता हूँ, इससे क्वेश्चन कितना छोटा हो जाता है, ठीक है। चलो खैर, अब आगे पढ़ते हैं। फॉलोइंग डेटा, फर्स्ट पॉइंट, पहले अपन देख लेते हैं कौन कौन क्या क्या लैंग्वेज बोला। P कौन सी बोला, C एंड E। P की लैंग्वेज क्या है, सी एंड ई, यहाँ पे लिख लेते हैं तो ऊपर का चार्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। क्यू, डी ई। क्यू की लैंग्वेज क्या है, डी ई, ठीक है। पी क्यू के बाद आर, आर की लैंग्वेज है ए, एफ, ए, एफ। पी क्यू आर एस की लैंग्वेज क्या है, बी ई। देखो ऊपर का चार्ट नहीं बनाना पड़ा। और टी की लैंग्वेज क्या, सी एफ, है ना, सबकी दो दो लैंग्वेज हमने इधर लिख ली, क्लियर। अब पॉइंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ईच टीम स्पीक्स एग्जैक्टली 4 लैंग्वेज, चार लैंग्वेज आएंगी, है ना, एंड हैज द सेम नंबर ऑफ मेंबर्स, सब टीम में सेम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, है ना। अब इधर 2 और 3 था तो या तो 2 मेंबर होंगे तीनों टीम में या 3-3 होंगे, है ना, इधर 2 और 3। सेकेंड पॉइंट, इंग्लिश एंड चाइनीज, यानी सी एंड डी आर स्पोकन बाय ऑल द 3 टीम्स, यानी सी ई ए बी बोलेगी टीम, सी ई ए बी टीम बोलेगी, सी ई ए बी टीम बोलेगी,
ठीक है, जो बोला है वो लिखते जाओ। बी एंड एफ बाय एग्जैक्टली टू टीम्स, इधर लिख लेते हैं बी एंड एफ जो है ये एग्जैक्टली टू टीम्स, एंड अदर लैंग्वेजेस बाय एग्जैक्टली वन टीम, यानी ए हो, ए बचा हुआ है, बी हो गया, सी हो गया, डी बचा हुआ है, ई एफ हो गया, ए और डी हमेशा एक ही लैंग्वेज बोलेंगे, ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड हो गया, है ना, एग्जैक्टली फोर लैंग्वेजेस पे ध्यान देना और सेम नंबर ऑफ मेंबर्स पे ध्यान देना। थर्ड पॉइंट, नन ऑफ द टीम इंक्लूड बोथ क्यू एंड आर, है ना, इन्होंने बोला है क्यू एंड आर बोथ नहीं चाहिए इनको, है ना, ऐसे क्रॉस लगा लो। थर्ड हो गया। फोर्थ, पी एंड एस आर टुगेदर इन एग्जैक्टली टू टीम्स, पी और एस टुगेदर जो है वो टू टीम्स में है, ठीक है, इस पे भी ध्यान देंगे। आर इज इन टीम वन, आर टीम वन में है, क्यू इज इन टीम थ्री, क्यू इज इन टीम थ्री, ठीक है, टीम थ्री में क्यू है तो आर नहीं होगा, इसे अभी से क्रॉस लगाने लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस वाले पॉइंट से हो गया। अब हम देखते हैं, देखो आर कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, ए और एफ, तो इधर हमें ए और एफ मिल गई है, सीई हमें सभी में लाना है, उस पर हम ध्यान देंगे, और क्यू कौन सी लैंग्वेज बोलता है, डीई, तो सीई तो लिखा ही हुआ, एक डी और इधर लिख दो, ठीक है, इतना हो गया। और एग्जैक्टली फोर चाहिए थी, टीम वन में एग्जैक्टली फोर मिल गई, तो हमें ए और एफ तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए था, सीई चाहिए, उस पर भी ध्यान देंगे। अब जहाँ देखो ए और डी एक ही टीम चाहिए थी, ए और डी देखो एक ही टीम बोलती है, तो ए हमें आर में मिल गया, मतलब अब आर को टीम टू और थ्री में नहीं देना है, टीम थ्री में ऑलरेडी क्रॉस लगा दिया था, ठीक है, ऐसे ही डी जहाँ मिल जाएगा, क्योंकि ए और डी एक ही टीम कोई बोलेगी, डी हमें मिल गया क्यू के थ्रू, है ना, अब डी कहीं और नहीं आना चाहिए, तो क्यू के बचे हुए दोनों क्रॉस कर दो, था ना, कितना आसान, ठीक है। तो ये ए डी वाला पॉइंट हो गया। बी और एफ पे अभी आते हैं, पी और एस को हमें दो टीमों में चाहिए, ठीक है, अब टीम वन पे देखो, अगर मैं एस दे दूंगा तो एस कौन सी लैंग्वेज बोलता है, बी एंड ई, तो हमें टीम वन में एक बी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो टी वन में फाइव लैंग्वेजेस हो जाएंगी, बी को भी अगर इंक्लूड कर लिया, लेकिन एग्जैक्टली फोर लैंग्वेज चाहिए थी ये लिखा हुआ है, तो हम एस को टीम वन में नहीं ले सकते, क्योंकि फिर बी को भी ऐड करना पड़ता, ठीक है, तो एस को नहीं ले सकते, है ना। अब पी और एस दो टीम में चाहिए, अगर एस टी वन में नहीं तो टी टू टी थ्री में तो नहीं पड़ेगा, और पी और एस अगर दो टीम में साथ में, तो पी पे भी हमें इधर दोनों में टिक लगाना पड़ेगा, तो टीम थ्री में तीन लोग आ गए, है ना, तो दो या तीन मेंबर चाहिए थे हर टीम में, तो ये टी को इधर क्रॉस कर दो। अब टीम थ्री से देखते हैं, टीम थ्री में कौन कौन सी लैंग्वेज हो गई, सीई नीचे लिखा हुआ है, डीई, डीई भी नीचे लिखा हुआ है, और बीई, बी बचा हुआ है, तो बी, देखो आ गई चार लैंग्वेज टीम थ्री में और तीन मेंबर आ गए, ठीक है। टी टू में देखो दो ही मेंबर दिख रहे हैं, तीसरा करने के लिए, क्योंकि हर टीम में इक्वल मेंबर चाहिए थे, टी के आगे राइट लगा दो। अब लैंग्वेज पे देख लो, सीई दिख रहा है हमें, एस के सामने बीई, सीई था, एक बी भी ले आओ, तो बीई सी हो गया, और आखिरी है सी एफ, तो एक एफ भी ले आओ, है ना, चार लैंग्वेज एग्जैक्टली होगी, मतलब जो चल रहा है सही चल रहा है। बी एग्जैक्टली देखो दो टीमों में हो गया, एफ एग्जैक्टली दो टीमों में हो गया, ए ओ डी एग्जैक्टली एक ही में था, है ना, मतलब जो भी किया सही किया। अब टी वन की बात करो, एक ही राइट है, दो और चाहिए, पी ओ टी पे राइट लगा दो, ठीक, तो सी ई नीचे दिख रहा है, आर के सामने ए एफ नीचे दिख रहा है, टी के सामने सी एफ ये भी नीचे दिख रहा है, तो देखो तीनों टीम में एग्जैक्टली फोर लैंग्वेज आई, है ना, हर कंडीशन फॉलो हुई। एक कई बच्चों के मन में डाउट आता है कि पी और एस तो दो ही टीमों में लिखा हुआ था, तो उन्होंने लिखा था पी एंड एस टुगेदर इन टू टीम्स, है ना, तो टुगेदर तो ये टू टीम्स में ही है, पी एक्स्ट्रा टी वन में भी है, तो इसका आप कुछ कर नहीं सकते, है ना, तो हर कंडीशन सेटिस्फाइड। देखो कितने आसान तरीके से मैंने ये आपको समझा दिया, इससे ईजी तरीके इसका हो ही नहीं सकता था, है ना, तो बहुत ईजी था, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बस फॉर्मेलिटी है वो, तो टीम टू का मेंबर कौन नहीं है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन है। टीम टू का है पी एस टी, पी एस टी है, तो पी एस टी है, एस पी टी, इन्हें क्यों नहीं, ऑप्शन सी, ठीक है, आसान था ना। अमंग द फॉलोइंग फोर पीपल इज अ पार्ट ऑफ एग्जैक्टली टू टीम्स, एग्जैक्टली टू टीम्स का पार्ट कौन है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर नहीं है, एस ओ टी है, एस भी दो टीम का पार्ट है, टी भी, तो एस एंड टी, तो ऑप्शन में एस दिख रहा है, टी नहीं दिख रहा, तो सी लगा दो, सैली, ठीक है। अगला, अमंग द फाइव पीपल इज अ मेंबर ऑफ ऑल टीम्स, पी था सभी का मेंबर, है ना, देखो तीनों में
लगा हुआ है। तो एक एक सेकंड के पी पे लगा दो ऑप्शन डी आखिरी। अपार्ट फ्रॉम सी एंड ई विच लैंग्वेज आर स्पोकन बाय टीम वन, टीम वन कौन कौन सी लैंग्वेज बोल रही है? सी ए और एफ। ए एफ का है आखिरी ऑप्शन डी में, अरेबिक एंड फ्रेंच। तो कितना आसान था, तो उम्मीद है सबसे इजी सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसे ही हमारे वीडियोस अभी भी टाइम में देखने हो तो पीडीएफ आपको मेल कर दी जाएगी जो डिटेल्स आपसे बोली हैं, आप एक एक वीडियो पर क्लिक करके आराम से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर कैट 300 परचेस करना है तो स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिख रही होंगी, डिस्क्रिप्शन पर भी अच्छे से डिटेल्स हैं, वो आप देख लेना, है ना। विद इन 24 आवर्स आपको पूरे के पूरे 10 वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।